तो यदि आपके भी स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको भी साइड में फिंगरप्रिंट दिया गया है, या तो यहाँ पर साइड में पावर बटन पे फिंगरप्रिंट दिया गया है, या तो फिर बैक साइड में फिंगरप्रिंट दिया गया है और आप चाहते हो कि अपने डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट यूज़ करना, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने डिस्प्ले पे फिंगरप्रिंट लगा सकते हो बिल्कुल इस वाले स्मार्टफोन की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले स्मार्टफोन के अंदर यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है। इस तरह से आप भी अपने स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, पूरा इसी तरह से ओपन होगा जैसे कि इस स्मार्टफोन के अंदर ओपन हो रहा है। तो यदि आप भी चाहते हो कि अपने स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को लगाना, तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए टेक वीडियो आपको डेली हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप एक महंगा स्मार्टफोन यूज करते हो तो उस फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, लेकिन वहीं आपके पास यदि एक सस्ता डिवाइस होता है तो उसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता है, या तो आपको पावर बटन पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, या तो फिर बैक साइड में देखने को मिलता होगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हो विदाउट रूट। आपको रूट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके लिए सिंपली आप सभी लोगों के स्मार्टफोन के अंदर एक एप्लीकेशन दिया जाता है, जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। यहां पर आप देखोगे तो आपको थेम करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस वाले ऑप्शन पे आप सभी लोगों को क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो यहां पर आपको कई सारे तरह के यहां पर थेम देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको कई तरह के थेम देखने को मिलते हैं। तो यहां पर सर्च का ऑप्शन मिलता है, तो आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जैसे ही आप वहां पर ORGINFTW लिख करके सर्च करोगे ना, ये वाला आपको यहां पर थीम देखने को मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे सबसे पहले इसे आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले इसे आप सब लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो यहां पर हमारा डाउनलोड हो जा रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कस्टमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर लॉक स्क्रीन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे ही सेट रखना है। यहां पर स्क्रीन, होम स्क्रीन, आइकॉन, स्टेटस बार वगैरह पे अप्लाई नहीं करना है। उसके बाद आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये अप्लाई हो जाता है। अब यहां पर हम होम करते हैं। होम करने के बाद आप देखोगे तो आपका जो स्क्रीन रहता है वो पूरी तरह से सेम वैसे ही रहेगा पहले के जैसे। यहां पर कुछ भी आपको चेंजेस नजर नहीं आएगा क्योंकि हमने यहां पर डिस्प्ले का कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप फोन को ऑफ करते हो, ऑफ करने के बाद ऑन करोगे तो यहां पर आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। अब जैसे आप फिंगरप्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहां पर पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो आपका पासवर्ड डालोगे, जो भी आपका पासवर्ड है यहां पर पासवर्ड डाले, फिंगरप्रिंट लगाना होगा। उसके बाद यहां पर आपका जो भी पासवर्ड रहेगा आपको यहां पर डाल के यहां पर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पासवर्ड को यहां से हटा देना है। जैसे ही आप पासवर्ड को हटा देते हो उसके बाद यहां पर स्क्रीन पे वो यहां पर टच करके रखोगे फिंगरप्रिंट पे, यहां पर ओपन हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर जैसे कि कोई भी यहां पर आपको स्क्रीन पे टच करेगा यहां पे इस प्रकार से फिंगरप्रिंट ओपन होता है। यहां पर अगर इस वाले फिंगरप्रिंट की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो ये भी कुछ इसी प्रकार से ओपन होता है जिस प्रकार से ये वाला फिंगरप्रिंट ओपन होता है। जैसे कि यहां पर आप दोनों को साथ में दिखाओ, दोनों साथ में इस प्रकार से ओपन होता है। जैसे कि इस प्रकार से इसमें ओपन होता है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर, सेम इस वाले स्मार्टफोन के अंदर भी ओपन होता है। यहां पर आपको साथ में दिखा दो, यहां पर देख सकते हो दोनों सेम एकदम और डिटो यानी कि इक्वल ओपन होते हैं दोनों साथ में एकदम, जैसे कि फिंगर लगेगा आपको कि रियल फिंगरप्रिंट आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर सेट कर रखा है। तो इस प्रकार से आप भी अपने स्मार्टफोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का मजा ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना।